यारे दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे दो दोस्त आए हुए हैं तथा इनको मैंने 10-10 मिनट के दो गैप में मेडिटेशन करने भी कहा कि परमात्मा का ध्यान करना है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें पैदा किया है, उसका 10-10 मिनट के लिए 20 मिनट टोटल हमने ध्यान करना है, उसका ध्यान लगाना है, तो क्या रिजल्ट मिलता है। पहले 10 मिनट में आप सच्चे दिल से कहिए कि क्या आपने, जब आपको मैंने कहा था तो आपने क्या देखा। सबसे पहले तो जो मेरी मन की वृत्तियां फैली हुई थी, हाँ जी, मेरे कामकाज की, मैंने उनको समेटा और एक तरफ रख के ध्यान किया जब परमात्मा का, तो मेरे को आनंद की अनुभूति हुई। मेरी जो डिप्रेशन था माइंड में वो कम हुआ और एक आनंद के सोत्र में डूबता चला गया। पिछले जो बातें थी वो भूलता चला गया, नई बातें आते आते की एक पिक्चर सी दिमाग में चल जाती है, जैसे मूवी देखते हैं हम, उस प्रकार की मूवी चलती गई और पीछे होती गई और मैं उन सब कठिनाइयों को पार करता हुआ आज शांति के सोत्र में जाता हूँ। आपने मेरे को कहा कि आपका जो बार बार ध्यान था ना आपके व्हीकल के ऊपर के, वहाँ कुछ सामान देना है, सामान देना है, ऐसे आपने कहा कि बार बार मेरा ध्यान वहां जाता था, ये सत्य है। पहले जो 10 मिनट का ध्यान था उसमें जो मेरी घरेलू जो बातें हो रही थी, जैसे मैं अपना सामान लेकर जाता हूँ वही घर के ऊपर, पहले वही चीजें सामने घूम घूम के आ रही थी। अच्छा, अब आप बताइए कि जो आपने 10 मिनट पहले देखा, ठीक है, आपने क्या देखा। 10 मिनट पहले देखा मैं वहां पर हरिद्वार में किताबें बेच रहा था, तो ये इन्होंने देखा कि ये हरिद्वार में किताबें बेच रही हैं। और अगले 10 मिनट में आपने क्या देखा। वो देखा फिर मैं टंकारा में, टंकारा की तस्वीर आई, मैं टंकारा में हूँ, वहाँ पर ना झंडा लहराया जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पर ना वो करवंत झंड ऊपर ना मतलब की वो देख रहे हो। मैंने आपको कहा था कि भगवान का ध्यान करना है, सिर्फ भगवान दिखना चाहिए। हाँ, वहाँ भी भगवान का नाम लिया जा रहा था। ठीक है, ठीक है, भगवान का नाम लिया जा रहा था। आपने अगले 10 मिनट में क्या अनुभूति की, पूरे 10 मिनट में आपने। अश्विन जी, मैंने आप बताया, मैं अगले 10 मिनट में पिछली सब बातों को भूलता गया और आगे होने वाले जो बातें हैं उनको भूलता गया और आनंद के सोत्र बहता चला गया और मुझे कुछ भी ना सुनाई दे रहा था ना दिखाई दे रहा था और एक शांति के सोत्र में डूबता चला गया। तो देखिए, हम दोनों जो माय फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस किया, असल में क्या होता है कि जब जब व्यक्ति ध्यान लगाता है तो दो बातें उसके दिमाग में रह जाती हैं। एक तो जो कार्य अधूरे रह गए पास्ट में वो खत्म होने चाहिए थे इन फ्यूचर, और ये वर्तमान है, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में जो पहले 10 मिनट थे तो वो ध्यान नहीं लग रहा था, वो जो कार्य अधूरे रह गए हैं जो पास्ट में और फ्यूचर में उसके कंप्लीट होने की उम्मीद है, उसके बीच में हमें ऐसे ही हमारे दूसरे दोस्त हैं वो हरिद्वार में बैठे हुए हैं, जबकि हम इस टाइम ये सोच रहे हैं कि उस परमपिता परमात्मा तक कैसे पहुंचे हैं, ठीक। तो असल में ये जो चीजें हैं ना, ये मन की तरंगे हैं, इनका जो मन था पहले 10 मिनट में इसको जो कंट्रोल करने वाला स्विच था, जो हमारी आत्मा थी, हमने ध्यान लगाना था आत्मा से, वो स्विच खत्म हुआ पड़ा था। और ये दूसरे साथी हैं तो उनका भी जो स्विच था, जो मन को कंट्रोल करके हमने ध्यान ऊपर तरफ लेके जाना है, अटेंशन, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि हम परमात्मा की बजाय उन पॉइंटों को ज्यादा अहमियत देते हैं, जबकि वर्तमान में सब कुछ हमें मिल भी रहा है। हाँ जी कुलभूषण जी, क्या हम सेटिस्फाइड नहीं है। जो 10 मिनट दिए थे मैंने वो मेरे 10 मिनट थे या वो मेरे 10 मिनट थे, मैंने आपको कहा था कि इसमें सेटिस्फाइड हो, ठीक है, तो क्यों आपका मन क्यों नहीं जा रहा, मतलब कि उस मैंने आपको, जबकि आपको परमात्मा ने एक सिस्टम बना दिया था कि हाँ भाई आपने ना भूत में जीना ना भविष्य में जीना है,
मैंने सेटिस्फाइड आपको वर्तमान में कर दिया, तो अभी इंसान की जो वृत्तियां हैं, जो संस्कार है, बहुत बार खींचते हैं, तो इसके कारण जो हमारा ध्यान नहीं लगता। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आपको यह उम्मीद हो जाए कि हाँ इस वर्तमान में मैं सेटिस्फाइड हूं, इस वर्तमान में मैं सेटिस्फाइड हूं, तो अपने ध्यान को छोड़ो, भविष्य को छोड़ो और भूत को छोड़ो, वर्तमान में रहो। जाएगा दिमाग कि पहली बार इन्होंने कहा कि हरिद्वार में बैठा हुआ था मैं, और दूसरी बार वहां से बहुत दूर है टंकारा। जो हरिद्वार है वो उत्तराखंड में है, और जो टंकारा है पहले गए होंगे वो है अपना गुजरात में। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मन पहले वहां भागा, इतनी तेजी तेजी से भागा, वहां से यहां आ गया। अब दूसरी बार ये धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल करके परमात्मा के आनंद में जा रहे थे, बहुत खुशी की बात है। तो ऐसा ही होना चाहिए, मन भागेगा। मन क्यों भागेगा? उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसको आपने सेटिस्फेक्शन देनी है, आपने उसको समझाना है। अरे प्रिय मन, हम जो वर्तमान में सुख भोग रहे हैं, जो टाइम हमें ध्यान के लिए दिया गया है, हमें उसके सभी रिवार्ड्स मिल चुके हैं, तो हम भविष्य के रिवार्डों का लालच क्यों करें? ठीक, भविष्य में कुछ ना कुछ हमारे काम होने हैं ना, उसमें से हमारे कुछ ना कुछ नैतिकता है, तो हमें वर्तमान के सर्कल में घूमना पड़ेगा। एक बच्चा है, बच्चे को हमेशा ही आप देखोगे वर्तमान में ही खेल रहा होता है, ना उसको भूत की टेंशन होती है, ना भविष्य की चिंता होती है, तो वो खुश होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बहुत सारी चीजें उसकी हिस्ट्री बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है। जब वो ध्यान लगाना भी चाहता है तो एकदम भविष्य में क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भयभीत, कुछ चिंता मगन इंसान आगे आगे चलता रहता है। ये दोनों की एग्जाम्पल नहीं है, मैं भी इसमें ही मैं ही समाया हुआ हूं, और आप भी इसमें समाये हुए हैं। तो इसमें से हमने जो कंक्लूजन निकालना है, आज एक डिसीजन निकालना है कि लाइफ में अगर हमने कुछ ध्यान देना है, किसी चीज का भी ध्यान देना है, उस समय उसी चीज का ही ध्यान हो। जाएगा माने ऐसे पकड़ लो, नहीं जाने देना, यहां से भागेगा, यहां से पकड़ लो। तो मन की विशेषता है कि मन चंचल तो है, गति तो करता है। अगर आपके अंदर जो बैठी हुई आत्मा है उसको उसकी लगाम हो तो वो वापस आएगा। ठीक है, वापस आएगा ना, वहां से वापस आएगा। हमने उस परम पिता परमात्मा का ध्यान लगाना। ओके, थैंक यू।